लखनऊ के राजभवन में हर साल की तरह इस साल भी फूलों की एग्जीबिशन लगाई गई है। आपको बता दें ये एग्जीबिशन हर साल फरवरी के महीने में 3 दिनों के लिए लगाई जाती है। इस एग्जीबिशन में फूल, पेड़, साग सब्जी, फलों और मशीनरी के सामानों के बारे में ज़्यादा मालूमात बताई गई है। आइए आपको लेके चलते हैं, क्या कुछ खास एग्जीबिशन में और है आपको दिखाते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? नंदरानी कहाँ से आए? इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर, राधा कुंज बिहारी मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने साल से आप आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो इसी साल आ रहे हैं। इसी साल आए हैं और तीसरा दिन है आज आपका। तो क्या क्या बेच रहे हैं आप यहाँ पे? भगवत गीता एज इट इज, कृष्णा बुक, आध्यात्मिक पुस्तकें प्रभुपाद जी की। अच्छा अच्छा, तो आज के दौर में भी लोग किताबें ले रहे हैं, पढ़ाई ले रहे हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं वो। अच्छा अच्छा, तो सेल हो रही है आपकी अच्छी। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? हम मुंशारी से आए हैं, नरेश बिष्ट। हाँ, क्या बेच रहे हैं आप? हम लोग मुंशारी की पहाड़ों की दालें बेच रहे हैं, दालें, ब्रास का जूस, माल्टे का जूस। हाँ, होम मेड मिक्स अचार। अच्छा, तो और हल्दी, धनिया, पहाड़ों की सारी दालें। कितने कितने सालों से आप आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में? हम लोगों को आते आते यहाँ 10 साल हो गए। 10 साल। तो इस 3 दिन की एग्जीबिशन में कितनी आपकी बिक्री हो जाती है? हम लोगों की 3 दिन में करीब 3 लाख। 3 लाख। हाँ, पॉइजन फ्री, केमिकल फ्री, इसके बारे में कुछ बताएं सर हमें। सर, ये पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने एक खेती की विधि विकसित की है, जिसे पहले जीरो बजट प्राकृतिक कृषि कहा जाता था, अब उन्होंने नाम बदल के सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि कर दिया। तो इस खेती में हमें एक देसी गाय की आवश्यकता होती है, जिसके इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। ना हम यूरिया डालते हैं, ना DAP डालते हैं, ना कोई कीटनाशक डालते हैं, ना कोई फंजीसाइड डालते हैं, ना कोई हर्बिसाइड डालते हैं। तो लोग इसे ले रहे हैं? खूब ले रहे हैं सर। अच्छा, इससे खास क्या है इसमें? इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, जो केमिकल वाला प्रोडक्ट है, उससे 3 गुना होती है। ये लाभदायक है, इनके कोई नुकसान नहीं। अच्छा अच्छा, तो सेल वगैरह कैसी हो रही है यहाँ पे? सर, अच्छी हो गई, लगभग 50,000 का कायमा। आज तीसरा दिन है? आज तीसरा दिन, आखिरी दिन है। और सर, मैं 2015 से आ रहा हूँ। अच्छा सर, हम लोग 2009 से ये आंदोलन शुरू किया था, पालेकर जी का शिविर कानपुर में हुआ था, तब हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया था। तो अब सरकार भी चाहती है कि ये खेती आगे बढ़े, तो नमाम गंगे के तहत और परंपरागत प्राकृतिक कृषि के तहत लोगों ने इस विधि को अपनाया है। तो सर, आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मैं फरुखाबाद से आया हूँ, मेरा नाम हिमांशु गंगवार है, और पिछले 12 सालों से इस खेती को हम लोग कर रहे हैं। अब उत्पादन भी बढ़ रहा है जी, जी। और इस खेती की एक खास विशेषता है कि आपको मोनोक्रॉपिंग नहीं करनी, एक साथ कई फसलें करनी है। गन्ने के साथ हम हल्दी भी करते हैं, मूंग भी करते हैं, मक्का भी कर लेते हैं। तो जो भोजन की सब आवश्यकताएं आपको अपने खेत से करनी है। क्या नाम है आप लोगों का? विमल यादव। आपका? एग्जीबिशन में क्या लगाया आपने? ये फिनाइल है, मोचा फिनाइल। ये हम घर में साफ सफाई, हाइजीन के लिए, इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, इंसेक्टिसाइड में भी यूज कर सकते हैं इसको। और खुशबू और बैड ऑर्डेंस को हटाने के लिए भी अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे एग्जीबिशन में डिस्काउंट भी दे रहे होंगे आप? जी बिल्कुल, डिस्काउंट है। अच्छा, कितना MRP से? हम लोग 65 के MRP है, और हम लोग 40 में पर बॉटल दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या कुछ यहाँ पे बिक्री कैसे हो रही है? बिक्री सर, अभी नया प्रोडक्ट है, तो लोगों को विश्वास करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और वो कुछ लोग हैं जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले ले गए, उन्होंने यूज किया, वो आके दोबारा फिर बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं। तो कंपनी की तरफ से आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी।